10 तारीख को भारत और पाकिस्तान के सुपर चार का मुकाबला अब इस मैदान पर होगा। अचानक सामने आ गया बड़ा अपडेट। एशिया कप 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मुकाबले और फाइनल मंगलवार को एशियाई क्रिकेट परिषद ने कोलंबो में ही कराने का फैसला किया, क्योंकि श्रीलंका की राजधानी में मौसम बेहतर होने के संकेत मिले हैं। कोलंबो में भारी बारिश के बाद पिछले कुछ दिनों में इस तरह की अटकलें थीं कि एशिया कप के सुपर चार मुकाबले और फाइनल को हवन टोटा में शिफ्ट किया जा सकता है। एशियाई क्रिकेट परिषद ने श्रीलंका क्रिकेट मेजबान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आधिकारिक प्रशासनकर्ता के साथ सलाह मशवरा के बाद मुकाबले को कोलंबो में ही कराने का फैसला किया है। ब्रॉडकास्टर्स ने भी इतने कम समय में सुदूर दक्षिणी जिले हवन टोटा में अपने उपकरण और कर्मचारियों को स्थानांतरित करने में परेशानी का हवाला दिया है। SLC ने एशिया कप के सुपर चार चरण के 5 मुकाबले और फाइनल के लिए वैकल्पिक स्तर के रूप में हवन टोटा का नाम दिया था, क्योंकि वहाँ पिछले कुछ हफ्तों में सूखा पड़ा है। सुपर चार के श्रीलंका चरण की शुरुआत भारत और पाकिस्तान के बीच 10 सितंबर को आर प्रमदास स्टेडियम में होने वाले मुकाबले के साथ होगी। यह दूसरा मौका होगा जब भारत एशिया कप के मौजूदा टूर्नामेंट में पाकिस्तान से दूसरी बार भिड़ेगा। दोनों टीम के बीच लीग मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, जिसमें भारत ने ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के अर्धशतक से सभी विकेट खोकर 266 रन बनाए थे। ACC ने भी मुकाबले को पल्लेकल या दामभुला स्थानांतरित करने के सुझाव पर कुछ समय के लिए विचार किया था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं करने का फैसला किया। अब 10 तारीख को होने वाला इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, आपके हिसाब से इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में किस टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी है, उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।